नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने रुद्राभिषेक करके लोक कल्याण की कामना, लोगों की सुनी समस्याएं, दिया हर समस्या के त्वरित और संतुष्टि परक हल का भरोसा। धन्य हो महाराज जी, आपके कृपा से पक्का मकान बन गए। सरकारी योजना में आवास पाने पर सीएम योगी का आभार जताने पहुंची बौनी महिला उषा के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने साथ में खिंचवाई फोटो। बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी में बोले सीएम योगी, कहा दुनिया देख रही है बदलते भारत की ताकत। बदलते परिदृश्य में भारत के प्रति बदली है पूरे विश्व की धारणा। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह मीडिया से हुए रूबरू। कहा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, स्नातकों, युवाओं और नौजवानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित करने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम के आगे एक लिखकर प्रथम प्राथमिकता के भारी मतों से बनाए विजयी। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले खिचड़ी मेले के दूसरे दिन भी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लगी रही भीड़। गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि की मांगी मन्नत। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के संबंध में महानगर एवं स्नातक निर्वाचन संचालन समिति व संयोजकों एवं सह संयोजकों की बैठक भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की भांति स्नातक चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर परिसर में 50 इंस्पेक्टर, 500 उप निरीक्षक, 1000 कांस्टेबल, पीएसी सहित एटीएस की लगाई गई है ड्यूटी। सीसीटीवी कैमरे से पूरे मंदिर परिसर की जा रही है निगरानी। और मकर संक्रांति के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में मेला घूमने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने ब्रेक डांस, झूला, मौत का कुआं, बड़ा झूला सहित विभिन्न प्रकार के झूलों का मंदिर में जमकर उठाया लुफ्त। कहा गोरखनाथ मंदिर का मेला है प्रदेश का सबसे भव्य मेला। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को रुद्राभिषेक करने के बाद जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि किसी को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का त्वरित और संतुष्टि परक समाधान कराया जाएगा। रविवार को मकर संक्रांति पर गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक मंगल की कामना की थी। सोमवार को भी उनकी दिनचर्या प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की मंगल कामना से शुरू हुई। इस निमित्त उन्होंने गन्ने के रस से रुद्राभिषेक कर देवाधिदेव महादेव से जन कल्याण की प्रार्थना की। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान मठ के प्रथम तल पर स्थित शक्ति मंदिर में सम्पन्न हुआ। रुद्राभिषेक अनुष्ठान के बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर परिसर महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे और करीब 300 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद गए और बड़े इत्मीनान से एक एक कर सबकी बात सुनी। सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, हर समस्या का जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण समाधान होगा। कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने कहा कि एस्टीमेट उपलब्ध होते ही भरपूर मदद की जाएगी, पैसे के अभाव में किसी का इलाज बाधित नहीं होने दिया जाएगा। जमीन कब्जाने की कुछ शिकायतों पर उन्होंने कहा कि सरकार हर गरीब के साथ खड़ी है, जमीन कब्जा करने या दबंगई करने वालों को करारा कानूनी सबक सिखाया जाएगा। सीएम से मिले आश्वासन के बाद सभी लोग संतुष्ट नजर आए। Yeah,
मामला है सब ना तो पकड़ लो। अरे ये लखनऊ से सर, बताएं अपनी बात, क्या बात सर? और से सवाल है, मैंने ग्रहण कर बैठा है, मैं सुन के ना सामने का तक अंदर तक कुछ मिला नहीं है, ना कोई ग्रहण मिला ना कोई कंपनी का, क्या हो गया है? आप साथ में क्या बात है? हाँ क्या हो गया है? मकान हाल बेहतर देवरे से दिला देंगे, मैं इनको मकान भी बताया है। क्या बात क्या हो गया है? एस्टिमेट वगैरह बना गया धन्य हो महाराज जी आपके कृपा और आशीर्वाद से अब हमरो पक्का मकान बन गई। एक बेर लेता ऐसा लगत रहल कि हमन के जिंदगी मड़ैये में बीती जाए, लेकिन आप हमरे जैसन ना जाने कितना जनी के पक्का मकान के मालिक बना दिहली। अब महाराज जी बस आपके साथे फोटो खिंचवाई लेके इच्छा बा। गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में भोजपुरी बोली में भावनाओं की यह अभिव्यक्ति बौनेकद की महिला कोला क्षेत्र के ग्राम बरहल निवासी श्रीमती उषा के हैं। जनता दर्शन में लोग सिर्फ अपनी परेशानियां लेकर ही नहीं आए थे, कुछ मुख्यमंत्री से मिले संबल के लिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने भी पहुंचे थे। इन्हीं में शामिल थी बौनी महिला श्रीमती उषा। जनता दर्शन के बाहर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उषा ने उन्हें बताया कि उन्हें सरकारी योजना से आवास मिल गया है और इसके लिए वह धन्यवाद देने आई हैं। उषा ने सीएम योगी से उनके साथ फोटो खिंचवाने का आग्रह किया। आग्रह स्वीकार कर मुख्यमंत्री ने उनके साथ फोटो खिंचवाई। देखिए एक बात तो है, अरे मोबाइल फोन का एप्लीकेशन बताएंगे? नहीं नहीं हम आपके यहाँ से पूछिए, मकान तो है, एप्लीकेशन अपना मोबाइल फोन से भेजिए उनके पास। ना तो भेज दिया गया, देखिए आवास लोग कितना देता है, जितना आवास चेक नहीं कोई करते ऐसा हम बिछा तो हमारे सनदी जवान से क्यों रोकना सकला जोगी जी के हम रोकने काम करिए ये एप्लीकेशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया में किसी देश की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था से होती है। आज भारत पूरी दुनिया में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है। विगत 8 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रयास व निर्णय हुए हैं उससे नए भारत की ताकत को पूरी दुनिया देख रही है, लिहाजा भारत के प्रति पूरे विश्व की धारणा बदली है। भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है यह सबको दिखाई दे रहा है। सीएम योगी सोमवार को मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति की ओर से आयोजित बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता विषय पर आयोजित संगोष्ठी को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बदले परिदृश्य में जो प्रयास हुए हैं उसका परिणाम सामने है। भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अपना देश दुनिया के उन महत्वपूर्ण 20 देशों G20 का नेतृत्व कर रहा है जो दुनिया की 85% GDP, 75% व्यापार, 60% आबादी व 90% पेटेंट पर आधिपत्य स्थापित रखते हैं। G20 का नेतृत्व देश के लिए एक अवसर है। उत्तर प्रदेश में भी इससे जुड़े 11 आयोजन होने हैं। योगी ने कहा कि जो लोग देश को
को जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर बांटना चाहते थे वह फेल हो गए हैं। आज भारत आगे बढ़ता है तो देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत दिखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के कोविड प्रबंधन ने पूरी दुनिया के सामने नागरिकों के अनुशासन व नेतृत्व के प्रति निष्ठा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी ताली बजाने, लॉकडाउन के पालन से जुड़ी। पहले जान है तो जहान है और फिर जान भी जहान भी के पीएम मोदी के मंत्र को अपनाया। कोरोना संक्रमित देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों के मन में शंकाएं थी। ये सभी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई। उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ अपने राज्य के प्रवासी कामगारों बल्कि अगल बगल के राज्यों से यूपी आए लोगों के प्रति भी मानवीय संवेदना का भाव करते रखते हुए सेवा की। यह मानवीय पक्ष था और राष्ट्रीय कर्तव्य भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के विकास के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में आगे रहे। बीते 5.5-6 सालों से बदलते उत्तर प्रदेश को आप सभी लोग देख रहे हैं। सरकार किसी विषय पर काफी चर्चा विमर्श और सभी पक्षों का ध्यान देते हुए ही कोई निर्णय लेती है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश विकास के बदलते परिदृश्य में अपनी आभा बिखेर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अकूत संभावनाओं का प्रदेश है। इस पर प्रकृति व परमात्मा की असीम कृपा है। 3 गुना उत्पादन देने वाली उर्वरा भूमि और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है। यदि हम सकारात्मक सोच से ईमानदारी पूर्वक प्रयास करेंगे तो उसके सकारात्मक परिणाम ही आएंगे। सीएम योगी ने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जुलाई से लेकर नवंबर तक का महीना भय पैदा करने वाला होता था। एंसेफलाइटिस के चलते 40 वर्षों में 50,000 बच्चों की मौतें हो गई। इलाज का एकमात्र केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज होने से सर्वाधिक मौतें गोरखपुर में होती थी। बीते 5 सालों में बेहतर प्रबंधन, समन्वय व टीम वर्क से एंसेफलाइटिस पर 95% तक नियंत्रण पा लिया गया है। अगले कुछ सालों में इस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एंसेफलाइटिस की वैक्सीन जापान में 1905 में ही बन गई थी, लेकिन उसे भारत आने में 100 साल लग गए, जबकि नई बीमारी होने के बावजूद कोरोना के लिए 2 सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन मात्र 9 माह में तैयार कर ली गई थी। यह नेतृत्व के विजन व कार्यशैली का परिचायक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विगत 5-6 सालों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां पूरे दुनिया के लिए कौतूहल है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को 2.61 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य मिला था। 2.5 साल में सिर्फ 43 लाख शौचालय बन पाए थे। वर्ष 2017 में सूबे की कमान संभालने के बाद नियोजित प्रयास से तय समय सीमा से पहले ही संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। तीसरी दुनिया के देशों के सम्मेलन में जब देश के उपराष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में 2.61 करोड़ शौचालय बनने की घोषणा की तो पूरी दुनिया अचंभित थी। उत्तर प्रदेश ने 5.5 सालों में गरीबों के लिए 45 लाख आवास भी बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब कार्य करने का जज्बा होगा तो उसका परिणाम भी आएगा। उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह दंगा मुक्त है। बड़े बड़े पर्व त्योहार सिस्टम की जवाबदेही सुनिश्चित होने से ऑटो मोड पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहे हैं। मकर संक्रांति पर 25 लाख लोगों ने संगम में स्नान किया तो लाखों श्रद्धालुओं ने गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। कहीं भी कोई व्यवधान नहीं हुआ। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी राज्य की खुशहाली के लिए जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार और कानून का राज्य दोनों ही पक्ष साथ लेकर चलने की आवश्यकता होती है। यदि अराजकता की छूट दे दी गई तो असंतुलन व असंतोष पैदा होगा। इस पर हमेशा विचार करना होगा। कहा कि नियत साफ हो, बिना भेदभाव कार्य करने का जज्बा हो तो धारणा बदलती है। उत्तर प्रदेश के प्रति भी धारणा बदली है। कभी गुंडा टैक्स, फिरौती और अपहरण उद्योग की पहचान थी, आज निवेश के सबसे शानदार गंतव्य की है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अपने मुंबई दौरे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग यहाँ निवेश ना करने का संकल्प ले चुके थे, आज वह खुद जहाँ कहा जाए और जितना कहा जाए निवेश करने के लिए संकल्प का भाव दिखा रहे हैं। फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर 16 देशों में
मंत्रियों के रोड शो के दौरान 7 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाज व प्रदेश को चलाने तथा आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ शासन, जनप्रतिनिधियों व प्रशासन की ही नहीं होती, बल्कि इसमें जनभागीदारी और मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सकारात्मक रिपोर्टिंग से सरकार की बात करोड़ों लोगों तक पहुंचती है। प्रदेश में सकारात्मकता की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता जैसे ज्वलंत व समसामयिक विषय पर सार्थक संगोष्ठी कराने तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले महानुभाव को सम्मानित करने के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार हो या मीडिया या फिर कोई अन्य संगठन, सकारात्मक पहल थमनी नहीं चाहिए। संगोष्ठी के दौरान मुख्यमंत्री ने उद्योग, व्यापार, समाज सेवा, शिक्षा, पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए विनय सिंह, कमलेश जैन, अशोक जालान, अतुल सर्राफ, शंभू शाह, प्रगति श्रीवास्तव, राजीव ओझा, हरेकृष्ण, राजेश नेभानी, उमेश अग्रहरी को सम्मानित भी किया। संगोष्ठी को विशिष्ट वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए आध्यात्मिक विचारक आचार्य मिथिलेश नंदिनी सरन ने कहा कि पत्रकारिता का मूल चरित्र जन सरोकार से जुड़ा है। यह बेहद प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर की मीडिया बदलते समाज के प्रति जागरूक है। मीडिया पर सिर्फ सवाल पूछने तक खुद को सीमित करने की बजाय शासन की जन कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं को भी जनता तक पहुंचाने की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि तटस्थता की स्थिति घातक होती है, इसलिए पत्रकार को सत्यता, सटीकता और सदाशयता का परिचय देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में आए सकारात्मक बदलाव की चर्चा करते हुए कहा कि योगी जी ने धर्म और राजनीति के एक साथ न हो सकने के मिथक को तोड़ा है। उनके शासन में कुछ दुर्जन निपट गए तो कुछ घट गए। दूसरे विशिष्ट वक्ता, वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार बद्री नारायण ने कहा कि समाज को प्रेरणा देने में भी पत्रकारों की बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बदलते परिदृश्य में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, उद्योग समेत सोशल स्ट्रक्चर का भी विकास हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भावना और संवेदना केंद्रित विकास हो रहा है। वास्तव में जो विकास असंवेदनशील बनाए वह व्यर्थ है। योगी जी ने विकास के लिए जो गोरखपुर मॉडल तैयार किया है उसे अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। धर्म कैसे समाज को नेतृत्व दे सकता है, योगी जी उसके अनुपम उदाहरण हैं। उनमें सत्ता में रहकर सत्ता को जन समर्पित करने की भावना है। उन्होंने कहा कि बदलते परिदृश्य में विकास प्रक्रिया से जनता को जोड़ने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मीडिया पर है। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, विधायक राजेश त्रिपाठी, डॉक्टर सुलभमणि त्रिपाठी, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, महेंद्र पाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन, दीप्त भानुडे, राकेश पाल, अखिलेश चंद्र, रत्नाकर सिंह, मान्यता प्राप्त पत्रकार समिति के अध्यक्ष अरविंद राय, महामंत्री कमलेश सिंह, सतीश पांडे, गजेंद्र तिवारी, मनवर रिजवी समेत बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी व समाज के विभिन्न वर्गों के गणमान्य उपस्थित रहे। जो समाज के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं या देश और समाज के लिए अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सभी को यहाँ बुलाया गया है तो मुझे बहुत खुशी हुई है। ये काम अगर कहीं से हो सकता है तो ये गोरखपुर के पत्रकार साथी ही कर सकते हैं कि अपने पुराने साथियों को इकट्ठा करना, उनके साथ में विचार विमर्श करना और हम सबके लिए सबसे बड़े गौरव की बात है कि हम सबने योगी आदित्यनाथ जी को गोरख फील्ड के एक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा था। हम सब अपने पत्रकारिता के शुरुआती कैरियर के तौर पर अपना काम कर रहे थे और मुझे लगता है कि पूर्वांचल का सौभाग्य है कि गोरख फील्ड के एक अधीश्वर अपने संघर्षों के दम पर, अपने दम के दम पर, अपने जन कल्याण के दम पर आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश के बल्कि पूरे देश को, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का नाम रोशन कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। विपिन सिंह जी भी यहाँ पे आ गए हैं, माननीय विधायक हैं, एक पत्रकार होने के नाते पूरी पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से उनका भी अभिनंदन करता हूँ। भाई मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि
मंच का सम्मान पार्टी से होता है, आवाज पार्टी के लिए बता रहे हैं। अभी भी क्या रही है गई भगवान अरे यार देखिए भाई कंप्लीट पैक है किसी से डरते नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ उद्बोधन दिया है। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करेंगे, क्योंकि मित्रों हम सभी बाबा को कुछ महाराज का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त है। शायद इससे पहले कोई मुख्यमंत्री रहा था इतने करीब से मुख्यमंत्री से आप लोग नहीं मिल पाते। आप हम डॉक्टर धर्मेंद्र जी को मंच पर आमंत्रित करेंगे। कभी में भी दूसरों की भलाई कैसे हो, समाज की भलाई कैसे हो, देश की कैसे सर्वोपरि रहे, इन विषयों को लेकर के अपनी जान जोखिम में डाल करके ऐसे ऐसे जगहों पर भी हम लोग लगातार देखते हैं, दूरदर्शन टीवी पर देखते हैं, अलग अलग प्रचार माध्यमों से देखते हैं कि किस प्रकार से कहीं पर कोरोना, चाहे वो कोरोना की वैश्विक महामारी नहीं हो या कहीं पर युद्ध हो रहा है, कहीं पर दोनों तरफ से गोलियां चलती हो, कहीं आतंकी घटनाएं होती हो, उन सब जगहों पर भी किस प्रकार से पत्रकार मित्र अपनी जान जोखिम में डाल करके जो जो चीजें समाज में है उनको लाने का काम करते हैं। और ये काम मैं केवल आज के परिप्रेक्ष्य में हमारे गजेंद्र भाई ने कहा कि बहुत संक्षेप में आप सबके बीच में डिस्ट्रिक्ट मंडल कॉलेज में कहा है।
श्री हरिहर श्री बड़ोदा चैंबर ऑफ टेक्सटाइल और दो और कमियों के लिए हमारे साथी सबने मिलकर के एक बात छेड़ी थी कि आज बहुत कुछ बदल रहा है। ये बदलाव जगह जगह दिख रहा है। शहर में 1 किलोमीटर जाने के लिए हमने खबर लिखी थी कि 1 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में पूरी। आज हालत यह है कि हम लखनऊ से गोरखपुर की दूरी 3 घंटे में पूरी कर रहे हैं। ये सब कुछ आपके सहयोग और आपके द्वारा किया गया प्रयास है कि आज सड़कों पर हम फर्राटा भर रहे हैं। जो दूरी 8 घंटे में पूरी होती थी वो 3 या 4 घंटे में हम पूरी कर ले रहे हैं। विकास इस तरह का है कि जो हमारे मानव के अब हम शिक्षा का हक हो रहे हैं के बारे में लिख रहे हैं। आज हम समिट की चर्चा कर रहे हैं। साल 10 साल पहले गोरखपुर के जो नए पत्रकार थे समिट क्या होता है जानते भी नहीं रहे थे, लेकिन आज लाखों करोड़ों का निवेश गोरखपुर में हो रहा है। प्रदेश में करोड़ों करोड़ों का निवेश हो रहा है। ये सब आपके प्रयासों से हो रहा है। निश्चित तौर पर गोरखपुर ही नहीं पूरा सूबा बदल रहा है। हमने जो सब्जेक्ट रखा है बदलता परिवेश पत्रकारिता, हमको लगता है कि हमारे मीडिया की तरफ से एक प्रयास है और हमने जो महसूस किया उसको सब्जेक्ट के रूप में उतारा। मैं चाहूँगा कि हमारे मीडिया के साथियों का आप स्वागत स्वीकार करें और हम लोगों पर इसी तरह का आशीर्वाद बनाए रखें कि हम काम तो करें। साथ ही साथ हमारे साथियों पर अगर किसी तरह की अपराधिकता आती है तो जिस तरह से आपका सहयोग और स्नेह बना रहता है बना ही रहेगा, ये विश्वास है। लेकिन मैं प्रति अपने समिति के अध्यक्ष होने के नाते एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि यह सहयोग हमारे ऐसा बना रहे। बड़ी ताकत और हिम्मत बन करके आज हमारे मुख्य अतिथि हम लोग के बीच में है। जगत विदित है कि सूर्य हमेशा पूरब से निकलकर पूरी दुनिया को उजाला देता है, लेकिन हमारा गोरखपुर से उठने वाला यह सूरज आज सभी के लिए मिसाल बना हुआ है। आज जो के लिए हम हृदय से स्वागत करते हैं और अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे और सारे प्रबुद्ध जन गोरखपुर के आए बच्चे। मैं सबसे पहले आभारी हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और ऐसे समय में अपनी बात करने के लिए बुलाया। पत्रकार समाज के का प्रेरणा स्रोत है, जो हो रहा है उसको डॉक्यूमेंटेड करता है। अतीत भूत और भविष्य, अद्भुत भविष्य और वर्तमान तीनों के कन्फ्यूजन को देखता है और पत्रकार की भूमिका समाज में बड़ी भूमिका है। और जो आपका विषय है बदलता परिवेश और पत्रकारिता, ये आज के समय में बहुत मौलिक विषय है और वो इस यहाँ पर ही नहीं लगता है पूरे देश में बात होती है, क्योंकि धीरे धीरे परिवेश बदलता है और परिवेश बदल रहा है। आपने देखा, मैं बात शुरू करता हूँ एक छोटी सी घटना। देश में प्रोफेसर है इकोनॉमिक्स के, उत्तर प्रदेश में अभी घूम के गए और उन्होंने मुझसे कहा कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत परिवर्तन है। हमने कहा परिवर्तन है, गाँव में पैसा आ रहा है, गाँव से पैसा खर्च हो रहा है, इकोनॉमिक मोबिलिटी बढ़ रही है और एक जड़ता जो थी वो जड़ता गाँव से टूट रही है और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और ये दिखाई किसको पड़ेगा, जो तीसरी आँख से देखेगा। और तीसरी आँख से कौन देखेगा, पत्रकार देखेगा, स्कॉलर देखेगा। ये सड़क बिजली पानी के ये जो विकास हो रहा है उसके अतिरिक्त जो पूरे सोशल स्ट्रक्चर में विकास हो रहा है, इससे बाकी के साथ बात को आगे बढ़ाऊँ। एक बड़ा फ्रेज है, जहाँ विकास है वहाँ संवेदना नहीं है, जहाँ संवेदना है वहाँ विकास है। ये एक ऐसा मॉडल जो आदरणीय
जिनके किसी चतुर्वर को अभी यहाँ पर आप हमने सुना है जीवी पंत सोशल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर वरिष्ठ पत्रकार हम मोबाइल नीचे कराइए मीडिया के लिए पड़ता
पिछले 22 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कि विजुअल मीडिया उसमें आया, टीवी के साथ उसका प्रचार प्रसार हुआ, इधर विजुअल मीडिया के अनेक संस्करण आए गए थे कि सोशल मीडिया में भी अनेक चीजें सामने आई, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए आए, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ब्लॉग के माध्यम से, अन्य अन्य प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हम उसके स्वरूप को भी देखते हैं और मीडिया का एक नया डिजिटल मीडिया के रूप में हम देखते हैं। इन सब चुनौतियों के बीच भी किसी की भूमिका कम भी नहीं हुई है और किसी के प्रति आकर्षण भी आज भी सामान्य जनमानस में सबके अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं, यानी कह सकता हूं कि सबके अपनी जजमानी आज भी दिल्ली में बची हुई है और उसके बीच उन चुनौतियों से जूझते हुए अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखते हुए मीडिया के तरफ से जुड़े हुए आप सुधीर जब कार्य कर रहे हैं। ये बदलता शुरू प्रगति के साथ मीडिया के लिए लोगों के रूपों में हम सब उसके दर्शन हो रहे हैं, लोग उसके साथ जुड़ भी रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं, उसका उपयोग भी कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग भी हर स्तर पर हो रहा है। अपने अनुसार हर व्यक्ति उसकी व्याख्या करता है, अलग अलग तरीके से उसको उसकी विवेचना भी करता है। और आज यहाँ पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस ज्वलंत मुद्दे को लेकर के बदलता हुआ प्रदेश में पत्रकारिता की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात को लेकर के इस गोष्ठी का आयोजन बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर मकर संक्रांति के अवसर पर ही आज यहाँ पर आयोजित हो रही है। पत्रकार समिति ने 2 वर्ष पहले एक बहुत सार्थक पहल की और उस समय गोरखपुर पत्रकार समिति ने नेपाल के पत्रकारों के साथ मिलकर के आपस में दोनों देशों के बीच केवल राजनीतिक संबंध नहीं हो सकते, राजनीतिक संबंध शासन के स्तर पर होंगे, लेकिन मैं तो है व्यक्ति से व्यक्ति का संवाद, जो रोटी बेटी का संबंध नेपाल और भारत का था, दो शरीर लिखने का आत्मा का जो एक भाव था, इस भाव के साथ जुड़ते हुए प्रारंभ किया था। मैंने देखा था कि उस समय गोरखपुर में भी और लखनऊ में नेपाल से जुड़ा हुआ मीडिया का एक ग्रुप मेरे पास भी आया था। उन्होंने गोरखपुर पत्रकार समिति के इस कार्यक्रम के अत्यंत सराहना की और उसके बाद उन्होंने नेपाल के अंदर जो रिपोर्टिंग की, मैंने उसके बाद देखा कि 2-3 डेलीगेशन मेरे पास नेपाल से आए, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज से, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, यूथ से जुड़े हुए, टूरिज्म से जुड़े हुए, एक अच्छी पहल बनी थी। लेकिन बीच में इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड के दौरान वे सब बात थी, लेकिन एक नई भूमिका के साथ आज यहां पर गोरखपुर की पत्रकार समिति इस अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है, अत्यंत सार्थक है, अभिनंदनीय है और मैं इस पहल का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं गोरखपुर पत्रकार समिति के को, इन्होंने यहां पर आज इस गोष्ठी को किया है। यद्यपि इसमें आचार्य मिथिलेश नंदन जी के और यहाँ पर आचार्य बद्री नारायण जी के विचारों को विस्तृत रूप से सुनने की आवश्यकता है।
क्योंकि दोनों अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट होता है और उनकी बातों को उतनी इस बात से सुनने के लिए उतना ही समय भी चाहिए। देखिए एक पहल है, इस पहल को थमने नहीं देना चाहिए, आगे बढ़ने देना चाहिए, क्योंकि प्रदृश्य जो नए जो बदलाव दिखाई दे रहा है ये वास्तव में आज की आवश्यकता है। और आज की आवश्यकता के लिए उठाए गए कदम अपने परिणाम भविष्य की गति में छोड़ देते हैं। और परिवर्तन याद रखना एक प्रकृति का नियम होता है, अगर परिवर्तन के साथ हम नहीं चलेंगे तो स्थिति हमारी वैसी होती है जैसे जले हुए पानी की होती है, उसमें स्वर्ण आ जाएगी, जड़ता जाएगी और जड़ता हमेशा खतरनाक होती है, क्योंकि पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ कोई भी काया उसके एक निश्चित आयु होती है, एक निश्चित समय होता है। अगर हमने निर्णय लेने में समय गंवाया तो समय हमें गायब कर देगा। और इसलिए आज के प्रदेश में हम सब की भूमिका भी उसी प्रकार की खास रही है जैसे आप देश के अंदर देख रहे हैं। अभी हमने देश की आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन को संपन्न किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जब देश आजादी के 75 वर्ष के आयोजन के साथ जुड़ा रहा। आपने देखा होगा पता नहीं 1947 में जब देश आजाद हुआ था देश में खुशी थी लेकिन विभाजन का गौरव नहीं था। 1947 में भारत के मान मान शान का प्रतीक तिरंगा हर घर पर लहराया था कि नहीं लहराया था हम नहीं कह सकते, लेकिन देश जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर तिरंगा के माध्यम से हर परिवार को आजादी बदलाव ये परिवर्तन आप सब ने महसूस किया होगा कैसे हर घर में तिरंगा लहराया और सुबह स्फूर्त भाव के साथ आवश्यकता पड़ी तो देश के कानून में संशोधन किया गया, लेकिन हर व्यक्ति को अपने राष्ट्रीय प्रतीक को अपने घर के ऊपर लगाने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। बड़ी हवेली से लेकर के झोपड़ी पर जब एक जैसा तिरंगा दिखता है लोकतंत्र का एक रूप बोलता है, यही लोकतंत्र है, यही सच्चा से दिख रहा उत्तर से दक्षिण तक पूर्व से पश्चिम तक गांव गली से लेकर के दिल्ली संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के गलियारों में और झोपड़ी से लेकर के राजप्रसादों में ये तिरंगा लहराता हुआ दिखाई दे रहा तो वह एक हर श्रेष्ठ भारतीय परिकल्पना को साकार करता है। यही बदलाव का दृश्य है और बदले हुए प्रदृश्य को किस रूप में इसको अचानक बनाने में अचानक भी लाया गया इसके लाने के लिए कुछ प्रयास हुए और किस प्रकार के प्रयास हुए हैं कि हम सब ने इस बात को देखा होगा। देश आजादी के 75 वर्ष पूरा किया भारत को उपलब्धियां भी उसकी बिंदी प्रारंभ हुई। कुछ मन रहेगा आज के दिन पर नए दुनिया में हम क्या देख रहे हैं दुनिया की ताकत का एहसास दुनिया की अर्थव्यवस्था के माध्यम से उस देश की अर्थव्यवस्था के माध्यम से लगाया जाता है। आज भारत दुनिया के अंदर सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। यह भारत की ताकत है, नए भारत की ताकत है। 1 लाख वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णय लिए गए जो रिफॉर्म किए गए जो प्रयास किए गए भारत का जो परसेप्शन बदला गया भारत के बारे में आम नागरिकों को
और दुनिया के सामने भारत के बारे में जो धारणा थी उसके बारे में जो दुनिया को बताया गया, अब उसका परिणाम क्या है? हर व्यक्ति आज इसको सोचने के लिए मजबूर हुआ है, भारत के बारे में लोगों की सोच बदली है, भारत के बारे में लोगों की धारणाएं बदली है, भारत को अच्छी दृष्टि देखने लग गए हैं, भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है आज देखिए दिखाई दे रहा है। और संयोग से वह आदि गिरा आजादी के अमृत महोत्सव का आयोजन अभी चल रहा है, भारत दुनिया की उस ब्रिटेन को पछाड़ करके जिस ब्रिटेन ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। और यही नहीं, दुनिया के उन 20 बड़े देशों को जिन्हें G20 के रूप में जाना जाता है, G20 के देश जिन्हें दुनिया की आबादी का 60% आबादी की मांग करती है, वे 20 देश जिनका दुनिया के 75% रेट पर अधिकार है, ये वे 20 देश हैं जिनका दुनिया की 85% GDP पर अधिकार है, ये वही 20 देश हैं जिनका दुनिया के 90% एटीएम पर अधिकार है। उन 20 देशों का G20 के देशों का नेतृत्व अगले वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के भारत को एक नए मंच के रूप में देखने को मिल रहा है। अवसर में उत्तर प्रदेश के अंदर भी 11 आयोजन है, उन आयोजनों के साथ उत्तर प्रदेश भी जुड़ रहा है। ये नया भारत और इस नए भारत के साथ जुड़ने के लिए लोकतंत्र के स्तंभ को जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, 140 करोड़ की आबादी का भारत एक स्वर में बोलता है, दुनिया के अंदर 140 करोड़ की ताकत देखती है। जो लोग हमें बांटना चाहते हैं, जो लोग हमारे बारे में गलत धारणाएं पैदा करते हैं, जो हमें जाति मत मजहब क्षेत्र भाषा और तमाम अन्य बातों में बांटते हैं, कोरोना महामारी के दौरान उनके सभी आंकड़े ध्वस्त हो गए, वे अपने देश को एक नहीं कर पाए, लेकिन भारत मोदी जी ने कहा ताली पीटो पूरा देश एक साथ ताली पीट रहा है, 40 करोड़ का भारत एक साथ ताली पीट रहा है। मोदी जी ने कहा लॉकडाउन होगा, हर व्यक्ति लॉकडाउन के साथ जुड़ा, मोदी जी ने कहा कि जान है जहान है, तो लोग इस मंत्र को अंगीकार करते हुए अपने घरों में बंद हुए, और मोदी जी ने कहा जान भी है जहान भी है दोनों एक साथ चलेंगे, लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए सभी गतिविधियों को चालू किया, अनुशासन का पालन किया, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, कोविड का प्रबंधन और राम जनमानस का देश के नेतृत्व के प्रति निष्ठा का भाव उसका एक आदर्श उदाहरण है और वही कारण रहा है 140 करोड़ की आबादी का भारत बेहतर परिणाम दुनिया में देने में सफल रहा है। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज के इस मदद के निर्देश हम सब को भी अपनी भूमिका के साथ, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के पास करती है, और केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हमें तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अगल बगल के राज्यों से भी लोग अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश से लोग आ गए। और हम सब एक मानवीय संवेदना हम सबके प्रति भी रखते हैं, रखना भी चाहिए, आखिर हमारे देश का नाम क्यों है, हम उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन ये सब के बावजूद उत्तर प्रदेश आज बदलते प्रदेश से अपने आप को किस रूप में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। पिछले 5.5-6 वर्ष के दौरान आपने उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रदेश को देखा, गोरखपुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ है,
और उस बदलते प्रदेश में जब जुर्माना लगा ऐसा नहीं कोई निर्णय अचानक के झटके में ले लिए कोई कानून बनता है झटके में अलग अलग चीजें में चलता होती है जब आपको विचार विमर्श होता है फिर हम उसके सभी पक्षों को ध्यान में रख करके निर्णय लेते हैं लेकिन पब्लिक रोने में बहुत सारी चीजें नहीं करनी पड़ती नहीं आ पाती या हो सकता है लोग संज्ञान नहीं ले पाते उन स्थितियों में बहुत बार लगता है कि क्या अचानक ही बात हुआ है लेकिन जब उस बात को लोगों को लगता है कि जब परिणाम आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं अच्छा उत्तर प्रदेश आज किसी का मैं आगे बढ़ा ये भारत के लिए आवश्यक है उत्तर प्रदेश अगर विकास की दौड़ में पिछड़ जाएगा तो वही बोलो देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है वन फिफ्थ पॉपुलेशन अगर उस रफ्तार के साथ पीछे छूट जाएगी तो फिर वो समग्र विकास की अवधारणा जो देश के नेतृत्व की है उसको पूरा होने में समय लगेगा और इसलिए उत्तर प्रदेश को उससे ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ना होगा उससे अच्छे अनुकूल वातावरण भी देना पड़ेगा परिणाम भी देना पड़ेगा इसके लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार होना होगा और विगत 5.5-6 वर्षों के अंदर जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने अपने कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पोटेंशियल अच्छे अपार संभावनाएं इसमें है प्रकृति की भी और परमात्मा की भी इसी कृपा से थे और इस असीम कृपा के प्रदेश में हम सबको कार्य करने का अवसर मिला है तो परिणाम भी अपने आप ही है हमें प्रयास करना है और प्रयास के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ जब कदम उठते हैं ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं टीम वर्क परिणाम के लिए और टीम वर्क का परिणाम के लिए तो रिजल्ट भी हमारे सामने आते हैं आपने उत्तर प्रदेश के अंदर कोविड हॉस्पिटल के परिणाम देखे होंगे लोगों को आशंका थी उत्तर प्रदेश का क्या होगा और अभी तो कोविड की भी आशंका थी इसी दौरान बहुत सारे राज्यों से क्लाइंट शुरू हो गया मुझसे पूछा गया कितने लोग आएंगे क्या करेंगे मैंने कहा निश्चित रहेंगे उत्तर प्रदेश सब संभालेगा मुझसे पूछा गया कैसे संभालेंगे एक तो कोरोना कब है और दूसरा प्रवासी कामगार आएंगे मैंने कहा कितने आएंगे अरे आपको पता नहीं ये संख्या 1 करोड़ तक पहुंच सकती है तो मैंने कहा 1 करोड़ को मैं भी कर देता 1 करोड़ का सुधार लोगों ने कहा कहां कटेंगे मैंने कहा आपको यूटी की ताकत का मुझे पता ही नहीं हमारे पास 96 बार एनएसए की यूनिट है अगर एक एक यूनिट में एक या दो लोग समाजिक तौर पर 1 करोड़ लोग उसी में आ जाएंगे वैसे ही आ दुनिया की सबसे अच्छी योजना होने वाले पास जितना अन्न हम वर्तमान में पैदा कर रहे हैं यह 3 से 3 गुना अधिक अन्न उत्पादन करने की क्षमता रखती है जल संसाधन दुनिया का सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास है ये सब हमारे पास है इसलिए यहां से यूपी से निश्चित रहिए यूपी में हम आपने देखा बहुत सारे राज्यों ने अपने प्रवासी कामगार और श्रमिकों को वहां आने से इनकार कर दिया हमने कहा उत्तर प्रदेश से होकर के जाएगा उत्तर प्रदेश में जो आएगा उसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की और हमने केंद्र सरकार के साथ मिलकर उन सबको यहाँ पे रहने की व्यवस्था की उनकी खाने की व्यवस्था की
उनके उपचार की व्यवस्था भी की और फिर जब उन राज्यों ने अपने यहाँ के गौरवों को वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की और सम्मान एक मानवीय पक्ष और हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य संकट के समय कोरोना की लड़ाई किसी व्यक्ति की नहीं, किसी सरकार की नहीं, देश की लड़ाई है। इस देश की लड़ाई में हम सबको मिलकर के ये परिणाम आते हैं। गोरखपुर में जिसे लड़ाई की स्थिति थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिसे लड़ाई की स्थिति लड़ाई को हमने कहो इससे लड़ाई जुलाई से नवंबर तक का होना यहां पे बहुत सारे क्षेत्रों में है और मौसम के जाने लगा पता नहीं कब ये बीमारी किस बच्चे को अपनी चपेट में ले और किसको निकल जाए। एक है एक आतंक एक दौसा 40 वर्ष में 50,000 लोगों की मौत हुई है जिसे ब्लैक से उत्तर प्रदेश और उसका मुख्य केंद्र बिंदु गोरखपुर और उसके आसपास के जनपद वाला है क्योंकि एकमात्र मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में था इसलिए मौतें ज्यादा गोरखपुर में होती है। सभी जगह के लोग आते थे गोरखपुर में ही यही मौतें होती थी। अल्लाह बेहतर प्रबंधन बेहतर प्रबंधन समग्र टीम वर्क कैसे करना देता है 95% आज जिसे प्रैक्टिस की मौत को हम नियंत्रित करने में हम लोगों ने सफलता पाई। अच्छा वैक्सीनेशन का ड्राइव भारत से हर एक व्यक्ति को दो दो डोज को लगी लेकिन साथ साथ प्रिकॉशन डोज भी फ्री में लगभग 30% से अधिक लोगों को लगा अभियान चल रहा है बड़े पैमाने में कार्यक्रम जा रहा है और इसीलिए आज के उत्तर प्रदेश के प्रत्यक्ष में जब हम बात कर रहे हैं हमें बाबा को सोचना होगा यह मानी भूमिका केवल आलोचना तक ही या प्रत्यावर्तन प्रचार चुनाव आलोचना तक ही सीमित रहेगी या उस सकारात्मक भूमिका को लेकर के जैसे बड़े पत्रकार समिति ने अपनी पत्रकारिता के धर्म का निर्वहन करने के साथ साथ अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को साथ जोड़ने का इंटरेक्शन का नया तरीका अपनाया है। नेपाल की मीडिया के साथ बैठ कर गोरखपुर के आज के लिए वाला मंच पर उन उद्यमियों को या समाज जीवन से जुड़े हुए सभी लोगों को अपने साथ जोड़ने का कार्य जिन लोगों ने अपने क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास किया या किया उनको भी आज इस दिवस पर सम्मानित किया। एक सकारात्मक दृष्टि है हम उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं हम केवल रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपोर्टिंग करने के साथ साथ उनके प्रोत्साहन के लिए अपने मंच का इस्तेमाल भी कर रहे हैं कि हमारा मंच उनको प्रोत्साहित करेगा कि आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि मेरी जहां मैंने जिम्मेदारी अपनी मीडिया के प्रति है वही साथ साथ मैं समाज के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। सामाजिक प्रतिबद्धता को बताने के लिए ये कार्यक्रम यहाँ पर अलग अलग समय में अलग अलग मंचों के माध्यम से के द्वारा उस परिणाम को आगे बढ़ाएंगे। एक सार्थक और उत्तर प्रदेश आज उसी सार्थक के साथ आगे बढ़ा है। हमने देखते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन में लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। उत्तर प्रदेश को 2,61,00,000 शौचालय बनाए थे 4 वर्ष में लक्ष्य को पूरा करना था 2017 में जब आया मेरे सामने आगे अब तो 2.5 वर्ष तो बीत गए अब ये जो बाकी शौचालय है कैसे बनेंगे मैंने कहा प्रयास कहा कि हर हाल में 2 अक्टूबर 2018 तक ये बनने 1.5 वर्ष का समय हमारे पास मात्र हमने कहा बनाए हम लोगों ने एक साथ प्रदेश भर के राज्य मिस्त्रियों को
और उनके साथ जो हेड को बताया उसको भी बनाया है हर एक जगह उनका प्रशिक्षण और फिर हर ग्राम पंचायत में हम लोगों ने बड़े पैमाने पर उन्हें उपलब्ध करवाया दुनिया के लोगों को सांस्कृतिक भगवान के रूप में पूजा जाता है
ये तो सकारात्मक पहल है, इस रूप में आगे बढ़ना, हम उसको देखे तो उस रूप में आगे बढ़ सकता है, लेकिन उस पर पहुंचाने का काम तो अति कर रहे हैं। उस प्रकार की दृष्टि आदि समाज को दे रहे हैं, लोगों को बताते हैं अच्छा होता है इस रूप में कार्यक्रम होता है, लोगों को जब अच्छे ढंग से बताते नहीं तो होता क्या है अफवाह। अगर आप सकारात्मक कदम चलाने से व्यक्ति में होते हैं तो उसकी जगह कौन लेगा अफवाह लेगा, और अफवाह लेकर के फिर भगदड़ उसी से मिलती है, अव्यवस्था उसी से रहती है, अराजकता उसी से रहती है। एक अफवाह किसी का कल्याण तो नहीं करती लेकिन अंधविश्वास को भी जन्म देती है और अराजकता को भी जन्म। लेकिन एक सकारात्मक व्यक्ति लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और एक सही सूचना सही जानकारी को लोगों तक पहुंचाने का काम भी करती है, और ये सब कार्यक्रम मीडिया के माध्यम से उन तक पहुंच पाती है, लोग उसी के माध्यम से उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं कैसे हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, कैसे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं, और ये सभी चीजें आज उसे आगे बढ़ाने का कारण। अगर ये दृष्टिकोण नहीं होगा तो ये एमएसएमई यूनिट जो यूपी की थी तो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही, इससे अगर थोड़ी भी प्रयास हुए कोरोना में जब हमारा प्रवासी कामगार सर्वे वापस आ रहा मुझे उसकी पीड़ा पर मेरी संवेदना के साथ की, हमारे पास अधिकारी भी बहुत सारे लोग कहते थे इस वक्त आप गाड़ी में भेजिए दिक्कत हो जाएगी, मैंने कहा कि नहीं मैं उसको सड़क पर नहीं छोड़ूंगा, गाड़ी भी भेजूंगा भोजन की व्यवस्था भी करूंगा। लोग कहते थे कि आप मैंने कहा कि खुद जहां जहां आ रहे हैं जिले में किसी की मैं नहीं करूंगा, कहते थे क्या करेंगे, अरे हमने कहा उसको घर में ही बैठने देना है, तो जहां होगा उसको उसके लायक काम भी दूंगा, उसके गांव में उसके जनपद में नेवा अन्य जगहों पर उपलब्ध करूंगा। अब आप सोचिए स्किल मैपिंग भी उनका होगा, लेकिन उससे पहले हमने कोविड बाद में हम लोगों ने उससे पहले ही यहाँ की परंपरागत उद्यम को एमएसएमई हमारे पास था उसको अपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक मंच दे दिया, तकनीक के साथ जोड़ दिया, उसके लिए मार्केटिंग की जो दम तोड़ना था उत्तर प्रदेश का एक ये ताकत उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का स्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोग पहले मानते थे कि वहां एक कुछ नहीं हो सकता, आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट का इतना बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट यहां से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जो उत्पाद होंगे एक लाख 56,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल यही हमारा आज के दिन में उत्तर प्रदेश से हो रहा है, उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी उपलब्धि है, और पिछले 5 साल में यह बहुत बड़ी से मैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते थे इसमें कुछ है नहीं, लेकिन उसके लिए हमें उन्हें तकनीक देनी पड़ी, उसको सुनने के लिए इंस्पेक्टर राज से उन्हें मुक्ति देनी पड़ी, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाने पड़े, रिफॉर्म करने पड़े, जैसे मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाने पीतल की नगरी के रूप में मुरादाबाद कोई वहां काम करता था लोग परेशान कभी अथॉरिटी के लोग परेशान करते थे, कभी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से जुड़े हुए लोग परेशान करते थे, कभी कोई और आगे लोग परेशान करता था, पर बस करती नहीं कोई घटनियां नहीं केवल से था, तो सोहेपुर से कोयले की भट्टी और केरोसिन से पॉल्यूशन होगा उनकी कोई कमांड नहीं, कोई तकनीक उनके पास नहीं, कोई डिजाइन नहीं, मार्केट जो भेजना नहीं चाहता था उनको इतना महंगा पड़ जाता था, दम तोड़ रहा हमने उनको डिजाइन दिया, हमने उनको तकनीक दी, हमने उनके कोयले और केरोसिन को हटा करके उन्हें सीएनजी और पीएनजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, हम लोग इंस्पेक्टर राज और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को उन तक जाने से रोका कि भाई आवश्यक परेशान नहीं करेंगे, उनके लिए मार्केट दी, एक मंच दिया, उसकी गारंटी दी, और आज
अकेले मुरादाबाद से 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट होता है, अकेले 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का एक्सपोर्ट होता है। ऐसे फिरोजाबाद का ग्लास, फिरोजाबाद का ग्लास किस तब तोड़ा टीटी घटनाते आगरा ताजमहल के संरक्षण के हिस्से माननीय उच्चतम न्यायालय उन सभी लोगों को बंद करवाता था जिनसे पॉल्यूशन होता है, उनके पास तकनीक नहीं, हम लोगों ने वहां की ये चीज बंद कर रहे तकनीक मंच नहीं है। आज वहां पर लगभग 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट वहां से हो गया है, आज वहां पर 6 से 7 हजार करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट अकेले धोई कर रहा है, कारपोरेट छाने की क्षमता क्या नहीं है हमारे प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों के पास सब कुछ है, लेकिन शासन का प्रोत्साहन चाहिए, समाज का प्रोत्साहन चाहिए, और आज उस प्रोत्साहन में उसे पंख लगाए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रधानमंत्री मोदी जी की भावनाओं के रूप आज वह आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला बन लेकिन जैसे ये वापस आए उन राज्यों के उद्योग बंद हो गए और उनको बाहर लगाने के लिए गाड़ी को भेज दीजिए तो आप हमारे यहाँ काम करना दिक्कत हो जाए, हमने कहा काम करते हैं वह दृष्टिकोण अलग नहीं होता, हम भी बोलते थे कि ये साल हम क्यों क्यों इस स्कूल को दे जिम्मेदारी से वो बढ़ने दे सकते कोविड के दौरान जिस प्रकार की स्थितियां थी हम उससे अपने आप को अलग नहीं और हमने कहा कि शासन में बैठकर व्यक्ति के लिए लोगों की बहुत आवश्यकता है, एक समाज की प्रति और आम नागरिक की प्रति संवेदनशील होना, उसकी पीड़ा को सुनने का एक जज्बा उसके अंदर होना चाहिए, लेकिन कानून का राज उसके लिए उतनी ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निर्णय लेने की क्षमता और कानून के पालन को मजबूती के साथ लागू करने की ताकत भी होनी चाहिए। अगर शासन इन दोनों पक्षों को एक साथ लेकर के नहीं चलेगा तो शासन व्यवस्था कभी सफल नहीं हो सकती। अगर शासन व्यवस्था में गरीब कमजोर सज्जन और सामान्य नागरिक की प्रताड़ित होगा उतर को छिंकर माध्यम और माध्यम प्रकृति के तत्व उन्हें पुलिस छोड़ देने के राजपा बनाने की छूट देनी चाहिए तो सामाजिक व्यवस्था में संतुलन पैदा होगा, अराजकता पैदा होगी, लोगों में व्यापक संतोष होगा, सत्ता को गिरते हुए बदलते हुए पलटते हुए कोई देर नहीं लगेगी, और मुझे लगता है आज की हमें उस पर हमेशा बना रखना होगा और शासन उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलिए। एक तरफ संवेदनशील व्यवहार कौन ने समाज के अलग अलग लोगों की जो सरकार की योजना है हमें महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलना मिशन शक्ति का हमारा कार्यक्रम युवक के लिए कार्यक्रम करना है तो प्रदेश का नौजवान दुनिया के अंदर जहां कहीं भी अच्छा करता है, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी योजना है तकनीकी दृष्टि से सक्षम बन सके, बहुत सारे युवक कोरोना काल में ना देख रहे उस युवक के पास हमने जब कहा कि ऑनलाइन एग्जाम करो बहुत सारी संस्थाएं नहीं करती, उनके पास अब हमारे पास टैबलेट नहीं, स्मार्टफोन नहीं, लैपटॉप नहीं, बच्चों के पास हमने कहा हमारे सरकार से हम कर रहे हैं सरकार के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन दे रहे शासन की योजनाओं का पूरा बिल उसमें दे रहे हैं, क्या क्या योजनाएं शासन की है कैसे जुड़ सकते हैं शासन उन नौजवानों के कार्यक्रम को चला रही है, नौकरी ही उत्तर प्रदेश में चला रही सरकारी नौकरियां दी थी और नौकरी आने के बाद किस प्रकार की होती है एक भर्ती की प्रक्रिया हो उसी तर्ज पर आगे बढ़ने का रास्ता और प्रक्रिया कुशलता पूर्वक आगे बढ़ती है।
आज उसी प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए शासन की जमीयत साफ है। बिना भेदभाव के हरेक पक्ष को उसकी क्षमता उसकी योग्यता के जुस्वा का कार्य देने का जज्बा हो तो फिर क्यों नहीं न्यायपूर्ण तरीके से हम सभी कार्यक्रमों का आगे बढ़ सकते हैं। प्रक्रिया और मध्यप्रदेश के अंदर ये सभी चीजें की प्रगति और इन सभी बदलों के कारण आज प्रदेश का प्रसिद्ध है। आज प्रदेश के बारे में लोग धारणा बढ़ती है। पांच साल सात साल पहले की स्थिति क्या थी यूपी के बारे में? पहले तो लोगों को लगता था यूपी में सुरक्षित नहीं थी। ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं सबसे बढ़िया आबादी का राज्य था, अभी सबसे बढ़िया आबादी का राज्य है, लेकिन लोगों को करना नहीं होती थी। व्यापार क्यों हो जाते थे? गुंडा टैक्स वसूली होता था, रोटियां वसूली होती थी, अपहरण जो भंगुर था, जो लोग लगे थे वो प्लान कर रहे थे, जो यूपी से बाहर रहता था उस नौजवान के सामने अपनी पहचान छुपाने के सिवाय तो दूसरा चारा नहीं था, अपनी पहचान छुपाता था, उत्तर प्रदेश का नहीं पता था। लेकिन आज तो ऐसा नहीं, आज तो देश और दुनिया का जहां कहीं लग रहा है, दुनिया में जाएगा भारत के बारे में लोगों की धारणा बढ़ती है, भारत को बहुत सकारात्मक दृष्टि से लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कोई नौजवान आज एक प्रदेश के अंदर कहीं भी जाता है लोगों की धारणा उसके बारे में बदलती है, लोग अब उसको सकारात्मक भाव से देखते हैं। ये जो बदलाव हमारी टीम जो एक सप्ताह की रही है पाठक बाबा, लेकिन उस एक सप्ताह की दो में उत्तर प्रदेश सात बार करोड़ में से अधिक की प्रस्ताव के लिए दुनिया के उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में दो बार आगे पीछे वाले थे। आज भी स्थिति देश के अंदर मैं भी पिछले दिनों मुंबई और मुंबई में क्या जी याद है जब मैं 18 में जब गया था वो उस समय जिस भी बड़े उद्यमी उद्योगपति या निवेशक से मिलता था वो मिलता तो था लेकिन कहता था ये बात कि हम लोगों ने तो संकल्प लिया है कि हम यूपी में नहीं है, क्यों नहीं है ये बताओ, अरे समझो मेरे साथ बीमा है कैसे नहीं बता। यही भी बड़ी होगी और दुनिया के देश के टॉप के उद्योगपतियों और निवेशकों के लिए खाना। और जब मैं इस बार गया हर टॉप का उद्योगपति और निवेशक मुंबई में था, सब मेरे पास जितना और जहां कहेंगे मुंबई के अंदर और मैं मानता हूं जब मैं कहूँ मेरे मंत्री कहे मेरे विधायक कहे हमारे पदाधिकारी कहे कि हम अच्छा कर रहे हैं रोजगार और बता अब यहाँ की जनता के सभी प्रश्नों का उत्तर खोज निकाल चुका है, उसने देख लिया है कि दलों से नहीं जातीय बंटवारे से नहीं वर्ग भेद करके नहीं अपनी विरासत का सम्मान करते हुए विकास की दौड़ के साथ आगे बढ़ने का समझा गया है और उत्तर प्रदेश आज उसी विकास की दौड़ के साथ आगे बढ़ रहा है और विकास की सकारात्मक सोच को आगे बढ़ने की सोच आज उत्तर प्रदेश के अंदर समग्र देखने को मिला, हर एक जगह देखने को मिला है। मैं धन्यवाद दूंगा गौरव पत्रकार समिति को
स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सोमवार को सिविल लाइन स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र के एमएलसी के रूप में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करता आया हूं। स्नातकों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं, चिकित्सकों और समाज के प्रबुद्ध जनों द्वारा चुनकर विधान परिषद में 3 बार भेजा गया हूँ। विधान परिषद में रहते हुए उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, स्नातकों, युवाओं और नौजवानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि 2017 की पूर्व सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा किए गए व्यापक भर्ती भ्रष्टाचार के जिम्मेदार लोग कानून के सिकंजे में हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार लोक कल्याण और विकास के अप्रतिम मानदंड स्थापित कर रही है तथा जनता को सम्मानपूर्वक जीवन जीने के आदर्श समाज का सृजन कर रही है। योगी राज में प्रदेश के गुंडे, माफिया और अराजक तत्व सलाखों के भीतर हैं। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रदेश के स्नातकों, बेरोजगारों, छात्रों, नौजवानों, शिक्षकों, अधिवक्ताओं तथा आम जनमानस के सम्मान का चुनाव है। उन्होंने सभी स्नातक वोटरों से अपील करते हुए कहा कि 30 जनवरी को स्नातक चुनाव का चुनाव होना है, जिसमें मतदान करते समय नाम के आगे 1 लिखकर प्रथम प्राथमिकता के भारी मतों से विजय दिलाकर विधान परिषद में अपनी आवाज को बुलंद करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह एवं गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, एवरेस्ट तक ले जाने का उत्तरदायित्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के मजबूत कंधों पर है।
योगी जी की कार्यश में एक नया वातावरण बना है, एक नया प्रदेश बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। योगी जी की कोशिश है $5 trillion को स्थापित करने में अपना ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी सुनिश्चित कर, मुझे समर्थन दिया है। 94,150 संघों के दोनों गुट मेरे लिए 18 तारीख को अयोध्या में घोषणा करें, और माध्यमिक शिक्षक संगठनों ने यही बात बतानी थी, भूल गए थे। आगामी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के संदर्भ में आपसे संयुक्त पत्रकार वार्ता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधान परिषद के सदस्य श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह। हम लोग संयुक्त पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपसे रूबरू हुए हैं। आगामी 30 जनवरी को होने वाले चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है, हमारे संगठन की संरचना के अनुसार, और हमारे प्रत्याशी ने भी अलग अलग सभी जनपदों में दौरा करके अपने वोटर बनाने के से लेकर के और सहेजने तक का काम, और हमारे हर जिलों में बैठ के मतदान केंद्र बूथ तक हमने अपने संरचना के माध्यम से पूरी तैयारी की है। सामान्य रूप में 17 जिलों का ये बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है, और इसलिए सभी लोगों तक पहुंचना, हमारे प्रत्याशी का पहुंचना, हम लोगों का भी पहुंचना बहुत संभव नहीं हो पाया क्योंकि 10 दिन का समय है, लेकिन इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम सब अपील करने आए हैं कि आने वाले 30 तारीख के निर्वाचन में जहां नरेंद्र मोदी जी ने एक नया भारत दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों की कतार में खड़ा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, वहीं 2017 के बाद एक नया उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन रहा है, जो 2017 के पहले गुंडा राज अपराधियों का को संरक्षण देने का था, उन सबको दफन करते हुए एक विकास की गति और आस्था के केंद्रों को मजबूत करते हुए योगी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है। उसी संदर्भ में हम लोग अपील करने आए हैं कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आगामी 30 जनवरी को जब वोट पड़े तो एक एक वोट मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता मित्रों से और सभी स्नातक बहनों भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि हमारे प्रत्याशी विधान परिषद के सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह जी जुझारू व्यक्तित्व के धनी हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो भी भर्तियों में घोटालों को लेकर के इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, एक लड़ाई लड़ी थी, और आज भी विधानसभा परिषद में लगातार मुखर रहते हुए हर मुद्दों के साथ खड़े रहते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रत्याशी को अपील करने आया हूं कि आप 30 तारीख को एक एक मत दे करके मोदी जी और योगी जी के हाथों को मजबूत बना करके एक नए उत्तर प्रदेश को योगी जी के नेतृत्व में जो बढ़ रहा है उसमें और मजबूती प्रदान करें, मैं यही अपील करने के लिए आज आप सबके सामने आया हूँ। आगामी 30 जनवरी को गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक क्षेत्र से मेरी सीट पर चुनाव होना है। मैं पिछले 6 वर्षों से ही नहीं बल्कि 18 वर्षों से निरंतर सड़क से लेकर सदन तक नौजवानों की आवाज़ बना हूँ, पढ़े लिखे लोगों के मुद्दों के साथ मुखरता से उनका पक्ष रखा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभंकर हूँ। 2017 में मैं उस सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए अपने ही मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा, उनके भर्ती भ्रष्टाचार के पर्याप्त साक्ष्य मेरे पास थे, और मैंने जीत की शुरुआत किया 2017 में पूर्ण बहुमत की पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी। फिर 2022 में 23 में मेरा चुनाव है, मुझे जीत का ऐसा कीर्तिमान स्थापित करना है कि न भूतों न भविष्यति कोई व्यक्ति उस कीर्तिमान को तोड़ ना पाए, उस रिकॉर्ड को तोड़ ना पाए, और 24 में एक भी सीट विपक्ष को नहीं मिलेगी। मेरा ये संकल्प है, एक ऐसे वातावरण का सृजन करेगा मेरा चुनाव परिणाम जिसमें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत सरकार बनेगी और सशक्त और समर्थ भारत की यात्रा तीव्र गति से आगे बनेगी। हम सब ये चाहते हैं कि भारत विश्वगुरु बने,
भारत दुनिया के शक्तिशाली राष्ट्रों का नेतृत्व करे। पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। पूरी दुनिया भारतीय नेतृत्व की तरफ संकट काल में दुश्मन भी उन्हें आदरणीय मोदी जी को याद कर रहे। ये भारत की सफलता है, ये भारत का नया कीर्तिमान है, ये नया भारत है कि बड़े बड़े धुरंधर राष्ट्र भी मोदी जी के आगे घुटने टेक दे रहे हैं, नतमस्तक हो जा रहे हैं। धन्यवाद। तो देवेंद्र सिंह की भी सफलता कि आपके आगे लोगों ने घुटने टेक दिए जो आपके खिलाफ नामांकन करने वाले थे। देखिए, इनको इनको नकारात्मक दृष्टि से मत लीजिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने बड़ा दिल दिखाया, बड़प्पन का प्रदर्शन किया है कि वो लोग चाहते हैं कि जीत का रिकॉर्ड कायम हो, इसमें उनका भी योगदान है, इसीलिए वे लोग मैदान से बाहर हुए। कहीं कहीं आपकी रणनीति मेहनत जो आप काम करते हैं साहब, एक बात आप नोट करिए, मैं 6 साल चुनाव लड़ता हूँ। दूसरी बात नोट करिए, गंभीर बात है कि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला अवसर है कि कोई शिक्षक संगठन मेरे खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं लड़ा है, मेरे खिलाफ किसी को समर्थन नहीं दिया है। सभी शिक्षक संगठनों ने मुझे समर्थन देने का ऐलान किया है। ये देवेंद्र सिंह की काबिलियत थी या भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी? भाई, ये हम सब की काबिलियत है। धन्यवाद, हम सब इसमें शामिल है। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर दूसरे दिन भी दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की गोरखनाथ बाबा को खिचड़ी चढ़ाने के लिए मंदिर में लंबी लाइन लगी रही, जिसके संबंध में आए हुए श्रद्धालु अंशु मिश्रा ने बताया कि हम पहली बार नेपाल से गोरखनाथ मंदिर आए हैं और लोगों से सुना था कि यहाँ पर खिचड़ी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत दूर दूर से श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं, जिससे हम लोग काफी उत्साहित थे, जिसके बाद गोरखनाथ मंदिर बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। वहीं इस संबंध में श्रद्धालु अनुपांजे ने बताया कि हम 20 वर्षों से गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने के लिए आते हैं, रविवार भी आई हुई थी और बहुत अच्छा लगा, मैंने गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर आशीर्वाद लिया। हम लोग खिचड़ी में चावल, हल्दी और मीठा गुड़ गुरु गोरखनाथ बाबा को भेंट करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं कि हमारे परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु अंशु मिश्रा, अनु पांडे, प्रिंस यादव, अंशुमान दुबे ने कहा। हनुमान मंदिर के सामने भोले भट्टे केंद्र तीरथ यादव, तीरथ यादव अंशु मिश्रा। कितने सालों से यहाँ मंदिर में आ रही हैं? फर्स्ट टाइम ही आए हैं, मकर संक्रांति का फेस्टिवल था, सो जस्ट यहाँ पे फैमिली के साथ घूमने के लिए आए थे। तो गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाया आपने? जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, काफ़ी अच्छा मंदिर है, साफ सुथरा, बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ मंदिर है, लोग आए तो और भी अच्छा। कैसा लगा यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत फ्रेश हुआ लोगों का। हम लोग बस यहाँ पे घूमने आए थे, नेपाल से आए हुए हैं, घूमने आए थे, काफ़ी अच्छा लगा यहाँ आकर। प्रिंस यादव। प्रिंस जी, आप यहाँ आए हैं मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील आ रहा है। कितने वर्षों से आ रहे हैं? ये तो पहली बार है हमारा। कैसा लग रहा है? बहुत मन को अच्छा लग रहा है, सुकून मिला। खिचड़ी चढ़े? हाँ। क्या मान्यता है, क्या मांगे? मांगे तो बस ये है कि जो पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा अच्छा नंबर वगैरह ग्रेड लिखा दीजिए, मतलब पढ़ने में थोड़ा निकल जाए, जो डॉक्टर वगैरह का कोर्स करना है उसमें निकल जाए तो बन जाएंगे। कहाँ से हैं? तमकुहीराज से। मेरा नाम अनु पांडे। कितने सालों से यहाँ आ रही हैं गुरु गोरखनाथ? मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ, मतलब मैं 20 ईयर्स मान सकते हैं। खिचड़ी चढ़ाया आपने? हाँ, कल मैं शाम को भी आई थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है, हम लोग हर साल आते हैं यहाँ पे। क्या मान्यता है? मान्यता मतलब गोरखनाथ बाबा को हम लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं, वो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या क्या चढ़ाएं? चावल चढ़ाते हैं और दाल, और वो उड़द की दाल वगैरह जो खिचड़ी में होती है, और खिलाई। माहौल पहले से थोड़ा कम भीड़ लग रहा है, मतलब पहले ज़्यादा लगता था, अभी तो इधर पुलिस वाले लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। कहाँ से आई हैं? महाराजगंज। कितने सालों से यहाँ आ रही हैं मकर संक्रांति? छोटे से, बचपन से।
कैसा लगता है? अच्छा लगता है। खिचड़ी चढ़ा दी आपने? क्या क्या चढ़ा? चावल और तिल भी चढ़ता है। क्या मान्यता है यहाँ बाबा की? यहाँ क्या नाम तो क्या है? खिचड़ी क्या है? कहाँ से आई है? गोरखपुर से। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने रुद्राभिषेक करके लोक कल्याण की कामना, लोगों की सुनी समस्याएं, दिया हर समस्या के त्वरित और संतुष्टि परक हल का भरोसा। धन्य हो महाराज जी, आपके कृपा से पक्का मकान बन गए। सरकारी योजना में आवास पाने पर सीएम योगी का आभार जताने पहुंची बौनी महिला उषा के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने साथ में खिंचवाई फोटो। बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी में बोले सीएम योगी, कहा दुनिया देख रही है बदलते भारत की ताकत, बदलते परिदृश्य में भारत के प्रति बदली है पूरे विश्व की धारणा। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, स्नातकों, युवाओं और नौजवानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित करने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम के आगे एक लिख कर प्रथम प्राथमिकता के भारी मतों से बनाए विजयी। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले खिचड़ी मेले के दूसरे दिन भी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लगी रही भीड़। गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि की मांगी मन्नत। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के संबंध में महानगर एवं स्नातक निर्वाचन संचालन समिति व संयोजकों एवं सह संयोजकों की बैठक भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संपन्न। कहा लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की भांति स्नातक चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर परिसर में 50 इंस्पेक्टर, 500 उप निरीक्षक, 1000 कांस्टेबल, पीएसी सहित एटीएस की लगाई गई है ड्यूटी। सीसीटीवी कैमरे से पूरे मंदिर परिसर की जा रही है निगरानी। और मकर संक्रांति के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में मेला घूमने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने ब्रेक डांस, झूला, मौत का कुआं, बड़ा झूला सहित विभिन्न प्रकार के झूलों का मंदिर में जमकर उठाया लुफ्त। कहा गोरखनाथ मंदिर का मेला है प्रदेश का सबसे भव्य मेला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के संबंध में बेनीगंज स्थित तो भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यालय पर स्नातक चुनाव को लेकर महानगर एवं स्नातक निर्वाचन संचालन समिति व संयोजक एवं सह संयोजक भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसके संबंध में भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के आधार पर काम करती है। कार्यकर्ता माइक्रो लेवल पर काम कर रहे हैं। मतदान केंद्र व बूथ स्तर पर स्नातक चुनाव की पूरी योजना बन गई है। माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट बनाकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रत्याशी शिक्षा क्षेत्र के बीच में काम करने के लिए लगातार जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर अपनी बात, आपकी बात को सरकार के समक्ष उठाने का काम समय समय पर ध्यान आकर्षण करने का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि स्नातक चुनाव हर चुनाव से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पतंत्र जैन, विश्वजीतांशु आंसू सिंह, डॉक्टर सतेंद्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओम प्रकाश शर्मा, इंद्रमणि उपाध्याय, अच्युतानंद शाही, देवी श्रीवास्तव, समरेंद्र सिंह, विनय सिंह, जीआरएफ, डॉक्टर गिरिजेश दंत पांडे, पद्मा गुप्ता, अनुपमा पांडे, दयानंद शर्मा, रणविजय शाही, दया कृष्ण गुप्ता, जितेंद्र चौधरी, जीतू, रणविजय सिंह, मुन्ना, वरुण चौरसिया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता ने कहा, आप सभी सम्मेलन है भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पुष्पांजलि कर
कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ करें। इस महत्वपूर्ण बैठक के अनुज गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री जी का माला पहना के स्वागत करें। साथ ही विजयी घोषित भारतीय जनता और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी आदरणीय श्री अनूप गुप्ता जी, आज की इस बैठक में उपस्थित हम सदा जो स्नातक चुनाव की दृष्टि से हम सभी का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, अभी इसके पहले भी जो महानगर की बैठक होकर धर्मेंद्र सिंह जी का आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज की इस बैठक में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की इस बैठक में नगर निगम के महापौर आदरणीय आदरणीय श्री राहुल श्रीवास्तव जी, गोरखपुर क्षेत्र के कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री पुष्पदत्त जैन जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के महामंत्री हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। निश्चित ही ये बैठक बहुत ही अहम बैठक है। बैठक के पहले भी हम सभी लगातार दो बार बैठकें कर चुके हैं, उसमें सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि प्रत्येक 20 मतदाताओं पर एक अपने कार्यकर्ता को लगाना है, उसकी भी सुना जा रहा है कौन मतदाता कहां रहता है, ताकि उस दिन चुनाव के दिन समय पर उनका वोट हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवा कर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हम सबके नेता आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर सीताराम जायसवाल जी, विधान परिषद के सदस्य एवं प्रत्याशी आदरणीय देवेंद्र सिंह जी सहित मंचा पता है, तो वह उस योजना के तहत जिले की बैठक में वहां के लोग जाएंगे, उस योजना में लगे हैं। इस नाते भोंगा पार के लोगों की उपस्थिति इसमें नहीं। स्नातक निर्वाचन का चुनाव 30 तारीख को है और इसलिए स्नातक निर्वाचन के चुनाव के संदर्भ में गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं की ये बैठक है। गोरखपुर महानगर में रहने वाले जितने भी स्नातक मतदाता हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराने के लिए एक रणनीति के तहत हम सब काम करने वाले हैं। वो सांगठनिक तौर पर बैठ करके पूरी रणनीति प्रक्रिया बना करके आज हम आगे बढ़ेंगे। पहले से भी गतिविधियां चल रही हैं और एक बार डीपली और माइक्रो लेवल का मैनेजमेंट हम लोग करके आगे बढ़ने वाले हैं। क्या उद्देश्य है चुनाव में जीतना, यही उद्देश्य है बैठक का। किस तरह कार्यकर्ताओं को निर्देशित करने के लिए कार्यकर्ता तो हमेशा तत्पर है। अपने हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे विधान परिषद के चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे जोश खरोश के साथ, पूरे तन मन के साथ लगता है और इस चुनाव में भी एक एक कार्यकर्ता पूरे तन मन से लग करके चुनाव जिताने वाला है। जो भी वोटर है किस तरह का अपील करना चाहेंगे? हम सभी मतदाताओं से अपील करना चाहेंगे कि आप हमारे प्रत्याशी गोरखपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी को अपना स्नेह, अपना लाड़, अपना प्यार, अपना दुलार, अपना वोट, अपना समर्थन सब प्रदान करें। हमारे प्रत्याशी लगातार इस क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र के बीच में काम करने के लिए लगातार जाने जाते हैं। उन्होंने सदन के अंदर अपनी उपस्थिति के माध्यम से अपनी बात को, आपकी बात को सरकार के समक्ष उठाने का काम, समय समय पर सरकार को चीज़ों के प्रति ध्यान आकर्षण कराने का कार्य भी उन्होंने किया है। आगे भी हम सब मिल करके आपके लिए अच्छा और सुखद कुछ न कुछ कार्यकलाप, अपनी गतिविधियां हम सब आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि 30 तारीख को समय से निकल करके मतदान करें। हमारे प्रत्याशी श्री देवेंद्र प्रताप सिंह जी के खाने के सामने सीधी पाई की मात्रा खड़ी करके अपना मतदान पहली मर्यादा का देते हुए और हमें विजयी बनाएं। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी के मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना होने पाए। जिसके संबंध में सीओ गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह ने बताया कि गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 25 सेक्टरों में बांटा गया है।
सभी सुपर जोन और सेक्टरों में 3 पालियों में भारी पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें 4 एडिशनल SP, 12 CO और 50 इंस्पेक्टर, 500 उपनिरीक्षक, 1000 कांस्टेबल व 4 महिला कांस्टेबल की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अलग अलग जगह पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए ATS की टीम को भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा अलग से LIU की टीम भी लगाई गई है, जो कि हर पॉइंट पर 3 पारियों में अपनी ड्यूटी दे रही है। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार को बनाया गया है। उनकी सुविधा का बराबर ध्यान रखा जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए मेले में हमारी महिला की टीम QRT टीम मोबाइल टीम को लगाया गया है, जो कि लगातार भ्रमणशील रहकर निगरानी कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सभी ड्यूटी पर लगे पुलिसकर्मियों को निर्देशित करने के लिए करीब 50 जगहों पर हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है और करीब 75 जगहों पर CCTV की मदद से हम पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, जिनके 3 सेंटर बनाए गए हैं जो 24 घंटे निगरानी में लगे हुए हैं। इसके साथ ही मंदिर क्षेत्र में एक पोखरा है जहां लोग स्नान करने जाते हैं और वोटिंग का भी आनंद उठाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए SDRF की टीम और NDRF की टीम लगाई गई है और जहाँ भी संवेदनशील स्थान है वहाँ 5 कंपनी PSC लगी हुई है जो सशस्त्र है और पूरे मेले को सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CO गोरखनाथ मंदिर सुरक्षा अजय कुमार सिंह ने कहा, कुर्ता चप्पल निकाल के आइए, मेले की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र को 3 सुपर जोन और 10 जोन में विभक्त करते हुए उनको 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी सुपर जोन, जोन और सेक्टर्स में 3 पालियों में काफ़ी संख्या में पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें करीब हमारे 4 एडिशनल SP रैंक के, 12 CO और करीब 50 इंस्पेक्टर, 500 सब इंस्पेक्टर, करीब 1000 पुरुष कांस्टेबल्स तथा 400 महिला कांस्टेबल ये ड्यूटी में लगाई गई हैं। पार्किंग व्यवस्था के लिए अलग से विभिन्न 14 स्थानों पर व्यवस्था की गई है। मंदिर के अंदर सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे पास जो है ATS की टीम है, जो आतंकवादी कोई गतिविधि होगी उससे निपटने के लिए लगाई गई है। LIU की टीम है, सादे वस्त्रों में लगाई गई है। प्रत्येक पॉइंट पर 3 पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग प्रवेश द्वारों की व्यवस्था की गई है। उनकी सुविधा का पर्याप्त पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए मेले में भी हमारी महिला की टीम, QRT की टीम, मोबाइल टीम ये सब लगातार भ्रमण कर रहे हैं। इसी के साथ उनको निर्देशित करने के लिए करीब 50 स्थानों पर हमारा PA सिस्टम लगा हुआ है। करीब
75 स्थानों पर हम CCTV की मदद से पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं, जिनके 3 सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पे 24 घंटे हमारी निगरानी चल रही है। गर्भगृह में अलग से स्वयं सेवकों की और हमारे पुलिस बल की ड्यूटी लगी हुई है, जो पूरे सुरक्षा के साथ उनकी सुविधा को देखते हुए उनको दर्शन करा रहे हैं। इसी के साथ मंदिर क्षेत्र में एक पोखरा है, वहाँ पर भी लोग स्नान करने जाते हैं और बोटिंग का आनंद उठाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए एक SDRF की टीम, एक NDRF की टीम तथा फ्लड की PAC लगाई गई है। विभिन्न जो स्थान है हमारे संवेदनशील, वहाँ पर करीब 5 कंपनी PAC हमारी लगी हुई है, जो शिफ्ट वार उनकी ड्यूटियाँ चल रही हैं, जो सशस्त्र हैं और पूरे मेले को जो है एक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर दूसरे दिन भी मेले में घूमने आए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को परंपरागत रूप से चढ़ने वाले खिचड़ी के दूसरे दिन भी सोमवार को श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई और गुरु गोरक्षनाथ का आशीर्वाद लिया। खिचड़ी चढ़ाने के बाद श्रद्धालु गोरखनाथ मंदिर परिसर में लगे झूले का जमकर लुत्फ उठाएं, जहां हर प्रकार के झूले लगे थे, जिसमें ब्रेक डांस, मैजिक डांस, बड़ा झूला, मौत का कुआं, गन शूट शामिल है। लोगों ने मेले में लगी प्रदर्शनी और चल रहे जादू का लोगों ने आनंद उठाया। मेले में हजारों की संख्या में सोमवार को भी लोग पहुंचे थे, जिनके संबंध में गोरखनाथ मंदिर मेला घूमने आए श्रद्धालु राकेश यादव ने बताया कि हम पहली बार जिला गाजीपुर से अपने पूरे परिवार के साथ खिचड़ी का मेला घूमने आए हैं। यहाँ आकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और मन को शांति मिली। हमने जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पर बहुत ही भव्य मेला लगा हुआ है। हम सबसे पहले अपने परिवार के साथ गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन किए और खिचड़ी चढ़ाई तथा खिचड़ी चढ़ाने के बाद हम लोग मेला घूमने आए। यहाँ पर हमने तरह तरह के झूले व तरह तरह की प्रदर्शनी व खाने पीने के स्टॉल और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लगी हुई देखी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर ज़रूरत के सामान, बर्तन और घर के उपयोग किए जाने वाली सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। अब हम हर साल मकर संक्रांति पर दर्शन करने आएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखनाथ मंदिर मेला घूमने आए श्रद्धालु राकेश यादव ने कहा, राकेश यादव जी यहाँ कितने सालों से मेले में आते हैं? सर हम देखिए, हम पहली बार आए हैं, तो गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से मेले का नाम मैं यहाँ पे सुन के आया हूँ कि अच्छा मेला लगता है, उसका जो सुना हुआ सही है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, आगे पसंद हुआ, मैं मेरा दिन अच्छा हो गया। ठीक है, मेले का तो मैं बहुत आनंद लिया, चरखी पे चढ़ा, इस पर चढ़ा, 2-3 सौ चढ़ा, जाके बाबा का दर्शन भी किया, भोलेनाथ बाबा का दर्शन भी अच्छे से किया। खिचड़ी भी चढ़ाया, प्रसाद भी चढ़ाया। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम योगी ने रुद्राभिषेक करके लोक कल्याण की कामना, लोगों की सुनी समस्याएं, दिया हर समस्या के त्वरित और संतुष्टि पर एक हल का भरोसा। धन्य हो महाराज।
महाराज जी आपके कृपा से पक्का मकान बन गए। सरकारी योजना में आवास पाने पर सीएम योगी का आभार जताने पहुंची बौनी महिला उषा के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने साथ में खिंचवाई फोटो। बदलता परिदृश्य और पत्रकारिता विषयक संगोष्ठी में बोले सीएम योगी, कहा दुनिया देख रही है बदलते भारत की ताकत, बदलते परिदृश्य में भारत के प्रति बदली है पूरे विश्व की धारणा। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद से भाजपा के प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह एवं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष तथा विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह मीडिया से हुए रूबरू, कहा उत्तर प्रदेश के शिक्षकों स्नातकों युवाओं और नौजवानों के हित को सर्वोपरि रखते हुए संघर्ष का कीर्तिमान स्थापित करने वाले देवेंद्र प्रताप सिंह के नाम के आगे एक लिखकर प्रथम प्राथमिकता के भारी मतों से बनाए विजयी। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर लगने वाले खिचड़ी मेले के दूसरे दिन भी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या में लगी रही भीड़। गुरु गोरखनाथ से परिवार के सुख समृद्धि की मांगी मन्नत। गोरखपुर फैजाबाद स्नातक चुनाव के संबंध में महानगर एवं स्नातक निर्वाचन संचालन समिति व संयोजकों एवं सह संयोजकों की बैठक भाजपा के प्रदेश महामंत्री अनूप गुप्ता की अध्यक्षता में हुई संपन्न, कहा लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव की भांति स्नातक चुनाव भी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले खिचड़ी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा की गई है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। मंदिर परिसर में 50 इंस्पेक्टर, 500 उप निरीक्षक, 1000 कांस्टेबल, पीएसी सहित एटीएस की लगाई गई है ड्यूटी। सीसीटीवी कैमरे से पूरे मंदिर परिसर की जा रही है निगरानी। और मकर संक्रांति के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में मेला घूमने वाले श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। श्रद्धालुओं ने ब्रेक डांस, झूला, मौत का कुआं, बड़ा झूला सहित विभिन्न प्रकार के झूलों का मंदिर में जमकर उठाया लुफ्त, कहा गोरखनाथ मंदिर का मेला है प्रदेश का सबसे भव्य मेला। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।